गाइस बारिश आ गई है बड़ी अच्छी सी और बहुत ही शानदार बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की धीरे धीरे। ये देखिए सारे पौधों को पानी मिल रहा है और बारिश जो है इधर की साइड में है, उधर नहीं है क्योंकि उधर बादल है ही नहीं, तो बारिश में होगी भी नहीं। गाइस पौधों को शिकार करने के लिए बैठा हुआ है एक परिंदा हमारे बर्ड्स का। तो चलिए देखते हैं मिनी जू में क्या हो रखा है, फिर आपको आए की अपडेट देते हैं। ठीक है पहले मिनी जू में चलते हैं क्योंकि पानी जो है देखिए मेरे ऊपर ज़्यादा आ रखा है, तो चलिए चलते हैं फटाफट। गाइस कहीं पर बारिश है और देखिए कहीं कहीं ना बादल बिल्कुल खुला हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इधर ये बादल दिखाई दे रहा और इधर देखेंगे आप सामने बिल्कुल साफ़ सुथरा है मौसम। तो जहाँ भी मौसम साफ़ सुथरा होगा वहाँ बारिश होगी नहीं पक्का, और जहाँ बादल है वहीं बारिश हो रही होगी। हमारे यहाँ कई बार ऐसा हो चुका है। ओए तुम यहाँ क्यों बैठी हो भाई, क्या बात है यहाँ क्यों बैठी हो चुपक के, किसने मारा है क्या तुम्हें? दोस्तों ये देखो आज ना सुबह मैंने इसको खोल दिया था लाल वाले मेल को, हमारे सदाजी को, और ये यहाँ जाल पर चिपक कर बैठा है। मुझे बताया यहाँ क्यों बैठा है, चलिए बताता हूँ, पहले अंदर चलते हैं फिर देखेंगे, है ना। क्या बात है भाई, इधर आओ मेरे साथ, चलो परेशान मत हो, मैं समझ रहा हूँ तुम यहाँ क्यों बैठे हो। पहले जाओ तुम अपनी फीमेल के पास जाओ अंदर, उसके पास रहो आराम से, ठीक है। एक सेकंड मैं पहले, एक सेकंड गाइस पहले मैं उसको छोड़ देता हूँ, लो जी वो गया। गाइस दरअसल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ वहाँ पर क्यों चिपक के बैठा था। क्या है कि गाइस ये जो मेल है ना, ये वाला मेल ये काफ़ी ज़्यादा मारता है आजकल हमारे उन परिंदों को जो बाहर रहते हैं, जो फीमेल होती है उन्हें नहीं मारता, बाकी जो मेल होते हैं उन्हें खासा मारता है बड़े अच्छे तरीके से। और ये देखो इसकी मस्ती चालू हो गई है अंदर जाते ही, अभी तो ये चुपचाप सुस्त बैठा हुआ था, और अंदर जाने के बाद घर में अपनी फीमेल से मिलने के बाद इसकी मस्ती जो है काफ़ी अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग यही चाहते हैं हमारे परिंदे इस तरह से ही मस्ती करते रहें। अब देखिए आपको बाहर का मैं व्यू दिखा देता हूँ कुछ, बहुत अच्छी बारिश हो रही है बाहर, वो देखिए सामने आपको देखेंगे वहाँ पर, है ना। ये देखिए कितनी प्यारी बारिश हो रखी है हमारे यहाँ, मज़ा आ रहा है बढ़िया। और बारिश की वजह से परिंदे हमारे बड़ा ही राहत महसूस कर रहे हैं, हमारे जो बजीद हैं वो देखिए वो नहा रहे हैं, ये देखिए आराम से बैठ कर नहा रहे हैं। और बेंगोली फिंचेस का भी दिखा दूँ थोड़ा सा मैं आपको व्यू, हमारी जो बेंगोली फिंचेस हैं गाइस सामने की तरफ आप देखेंगे एक जगह सिमट कर बैठ गई हैं, क्योंकि अक्सर ये बारिश के मौसम में नहा धोकर आराम से बैठ जाती हैं। और आज पानी जो है काफ़ी नीचे तक आ रहा है, ये देखिए सामने से बारिश यूँ है ना, तो ऐसे की तरफ पड़ रही है यूँ ऐसे करके, तो सारा पानी जो है नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए इससे एक बेनिफिट हो रहा है कि हमारे इस वाले पेड़ को अच्छे से पानी मिल रहा है, जो कि इसको पानी मिलना भी चाहिए, और ऊपर भी पानी काफ़ी ज़्यादा भर चुका है, वो देखिए वहाँ पानी चल रहा है, वो देखिए ऊपर से पानी टपक कर आ रहा है, देख रहे हैं आप। यहाँ से कहीं से लीकेज है हमारे ऊपर से, ये जो सेट है टीन सेट कहीं ना कहीं से लीकेज, इसको भी कभी दिखाएंगे। और ये वाला पेड़ देखिए आप कितना इन्जॉय कर रहा है बारिश में, आराम से एक साथ बैठ गए, ये मेल फीमेल है गाइस। ये इस साइड में जो है मतलब ये वाला मैं दिखाता हूँ, सेम रुकिए, इधर वाला तो है मेल और इधर वाली है फीमेल, और एक इसके साथ की और एक हमारी फीमेल ये बैठी हुई है, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये देखते हैं हमारे हाथ आएगी नहीं, ट्राई ज़रूर करेंगे हम। और निकल गई निकल गई, एक मेल ये है और जेब्रा फिंचेस का एक फीमेल और होगी, किधर है शायद ही कहीं बैठी होगी, वाइट कलर में है, बड़ी प्यारी सी है वो भी। तो गाइस हमने केवल चार जो है परिंदे छोड़े हुए हैं बाहर, जेब्रा फिंचेस के वाला दो फीमेल दो मेल जो कि वो बैठे हुए हैं उधर, और मैं फीमेल की बात कर लूँ गाइस तो वो दिखाई नहीं दे रही है, किधर ही बैठी है, इधर इधर बैठी हुई है, ये देखिए है ना। तो केवल हमने दो पेयर छोड़े हुए हैं जेब्रा फिंचेस के, बाकी सारी फिंचेस हमारी इस कॉलोनी में है। ओ भाई क्या मस्त बारिश पड़ रही है गाइस, ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ सारा व्यू, ये देखिए छत पर अभी हम जा नहीं सकते, छत पर मैं गया था तो छत पर आपने देखा किस तरह से पानी मेरे कपड़ों पर अगर गिर रहा था सारा मैं भीग जाता तो। और वो देखिए सामने एक शिकारी परिंदा मैं दिखाऊंगा आपको, वो देखिए वो बैठा हुआ है वहाँ पे, ये बंदा मुझे पता है क्यों बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है हमारे बर्ड्स को नुकसान पहुँचाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उन पर हमला करने के लिए। मगर भाई तुम कितनी भी कोशिश कर लेना, हमारा जो मिनी जू है इतना सेफ है कि तुम हमारी बर्ड्स को कभी नुकसान पहुँचा ही नहीं पाओगे मेरे दोस्त। और ये गाइस नहा रहा है यार, क्या मस्त नहा रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको, वो देखिए गाइस किधर है, एक सेकंड, इसके लिए मुझे थोड़ा कैमरे को यूँ करना होगा, इस तरह से जूम जूम में आ ही नहीं रहा है, शायद आवाज़ आए, देखते हैं, नहीं आ रहा जी नहीं आ रहा नहीं आ रहा है, बारिश में और मैं और भीग जाऊँगा, ज़्यादा इधर उधर भागदौड़ करूँगा। और गाइस इस वाली फीमेल की भी कंडीशन अब काफ़ी हद तक सही होने लगी है और बेहतर होने लगी है, और चलिए आज गोल्डन फिंच को भी चेक कर लेते हैं कि हमारी गोल्डन फिंच ने अंडे वगैरह रखे हैं और बढ़ाए हैं यानी क्वांटिटी, या फिर दो के दो ही रखे हैं ऐसे ही, है ना। तो मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ जी, ये लो। तो गाइस बस अभी दो ही अंडे आए हैं गोल्डन फिंच के हमारी, वैसे तो अमूमन ये 7-8 अंडे भी रख देती हैं, चार मतलब चार तो मिनिमम रखती ही रखती हैं,
और अगर अच्छी ब्रीड हो जाए तो 8 अंडे तक की क्वांटिटी पहुंच जाती है। तो अभी एक तो गाइस बारिश में शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आपको शोर आ रहा होगा तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा एडजस्ट करिएगा क्योंकि बारिश जो है काफ़ी तेज़ हो गई है, तो इसमें मैनेज तो आपको करना ही होगा दोस्तों। काफ़ी तेज़ बारिश है और आप देखेंगे पीछे से पानी आना स्टार्ट हो गया हमारी तरफ, वो देखेंगे आप सामने कुछ पानी आ रहा है, वो देखिए तेज़ बारिश होगी, अचानक से बारिश आई है, पहले बारिश नहीं थी, अभी आधा घंटे पहले ही बारिश नहीं थी, सब कुछ सूखा हुआ पड़ा था, मगर एकदम से इतनी तकलीफ फुहार आई कि बारिश पड़ती चली गई। और हमारी देखिए गाइस जब भी बारिश होती है हमारे यहाँ पर तो हमारी जो जयपुरा फिंचिस है और हमारी जावा फिंचिस है अक्सर वहाँ पर ना ले लिया करती है, वो देखिए वो ये इनको सबसे सेफ जगह मिल जाती है, यहाँ पर हमारी जावा जो है आराम से बैठ कर अपना टाइम व्यतीत करती हैं और अपने आप को बारिश से सेव कर लेती हैं जब इन्हें नहाना नहीं होता, और अगर इन्हें नहाना होता है तो फिर जा जाकर बैठती हैं उस वाली डाली के ऊपर या फिर इधर की साइड में बैठ जाती है ताकि ये नहा सकें आराम से। और भी कोकाटेल से मिल लेते हैं, आज बहुत दिन हो गए आप लोगों को मिलवाया नहीं है, भाई कभी भाइयों की शिकायत थी कि भाई कोकाटेल्स के बारे में अपडेट दे दिया करें, तो मेरी कोकाटेल की अपडेट आपको मैं दे देता हूँ। कोकाटेल जो है दोस्तों हमारे वो आराम से जाली पर चिपक जाते हैं और पीछे से ओ भाई हवा पानी आ रखा बारिश का, देखिए अरे रुको भाई रुको यार तुम तो बहुत कहता लगा, देख लीजिएगा इस कोकाटेल्स। और हाँ कुछ भाई बोल रहे थे कि भाई अभी तक आपने इनके बॉक्स वगैरह ला के नहीं रखे हैं, तो गाइस मैं माफ़ी चाहता हूँ मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, मगर जल्दी इनके बॉक्स जो है मैं ला कर इनको दे दूँगा ताकि ये लोग अपने साइड में अंडे बच्चे कर सकें। यार पानी गाइस देखिए यहाँ तक आ रहा है यार, आप देख रहे हैं देखो यहाँ तक पानी है, थोड़ा आप देखने की कोशिश करेंगे मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, तो बारिश जो है काफ़ी अच्छी और काफ़ी तेज़ है, बड़ी शानदार है और बढ़िया तरीके से अपना पड़ रही है, और लोग बाग नहाने भी आ चुके हैं छतों पर, हमारे पड़ोसी जो हैं वो देखिए भाई कमाल की बारिश है यार, बारिश में तो कमाल कर दे, देखिए गाइस कितनी तेज़ जो है बारिश पड़ रही है, बढ़िया जी बढ़िया। अंकुर हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब, अरे वो कहाँ मुकुल को बुला ले, मुकुल को तो खैर दोस्तों बहुत तेज बारिश हो गई है, मुझे लगता है ये देखिए कितना पानी आने लगा है, अब मुझे जो है व्लॉग को हे ओवर करना चाहिए, मैं भी जाकर ऊपर पिजन सेटअप को चेक करूँगा क्या हो रखा है वहाँ पर, उसके बाद आपसे मिलूँगा ठीक है। तो फिर व्लॉग को हे ओवर करते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और बारिश को इन्जॉय करते रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।